ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। चंद्रमा धनु राशि में, चंद्रमा अगर धनु राशि में हो तो कैसा होगा जातक का नेचर, क्वालिटीज, पर्सनैलिटी, लाइफ पाथ, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, चंद्रमा के दूसरी राशियों में प्लेसमेंट पर होने वाले रिजल्ट्स को जानने के लिए इसी प्लेलिस्ट चंद्रमा की दुनिया से चेक कर सकते हैं। याद रखें, इस वीडियो में हम भाव या हाउस की बात नहीं कर रहे हैं। हम चंद्रमा कुंडली में कहीं पे भी पड़ा है और वहां पे अगर 9 नंबर लिखा है तो हम उस इशू की बात कर रहे हैं। रिजल्ट्स वेरी करेंगे, चंद्रमा की डिग्री, वैक्सिंग है, वेनिंग है, किस भाव में स्थित है और दूसरे प्लैनेट्स उस पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। दोस्तों, धनु राशि बृहस्पति देवता की राशि है। चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन गज केसरी योग का निर्माण करती है। गज केसरी मीन्स हाथी के ऊपर झंडा, यानी कि एक आदमी को राजा बनाने की हिम्मत रखती है। जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अगर गुरु की पोजीशन ठीक है, गुरु स्ट्रेंथ में है, चंद्रमा स्ट्रेंथ में है और प्लेसमेंट किसी अच्छे भाव में है तो ये आदमी को राजा के समान यश प्रसिद्धि दे सकती है। आज की डेट में राजा नहीं रहते हैं, लेट अस बी क्लियर। जो हमारे शास्त्र बोलते थे वो किसी राजा की बात करते थे, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में वो आदमी के पास गाड़ी, बंगला, घर, प्रॉपर्टीज, नाम, शोहरत सब होगा। ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में है तो उसकी अपनी नेम प्लेट लगेगी, तो दैट इज द गज केसरी। जैसे आपने देखा होगा आर्मी में कुछ अपॉइंटमेंट्स चलती हैं तो उनके आगे झंडा लगा होता है। जो एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, उनकी गाड़ी के आगे झंडा लगा होता है, तो दैट इज द गज। और गाड़ी तो अभी गाड़ी ही गज होगी। दोस्तों, धनु राशि जो है जुपिटर की राशि है, इसका जो एलिमेंट है वो फायरी है। चंद्रमा मन का, इमोशंस का, फीलिंग का, केयर का प्लेनेट है। चंद्रमा जब धनु राशि में होता है तो जातक एक फाइटर होता है। उसकी जो इमोशंस होती हैं उनके अंदर आग होती है, कुछ काम करने की आग। बृहस्पति की आग है सो ये जो आग रहेगी वो सात्विक रहेगी, कोई ना कोई फिलॉसफी की आग है, धर्म की आग है, सही रास्ते पे चलने की आग है, सही काम करने की आग है, राइटियस पाथ पे चलना ही उसका पर्पस है। तो वो फाइटर रहता है, हो सकता है कोई एनजीओ चलाता हो, लोगों की हेल्प करता हो, फौज में हो, वो हिम्मती होता है, रिस्क लेने से नहीं डरता। घोड़े पे बैठा है तो दूर से देख सकते हैं। जब दूर से देख सकते हैं तो इसका मतलब होता है उसकी दूर दृष्टि रहती है, उसको दूर से नजर आता है। जिसको दूर से नजर आता है वो पहले प्लान कर लेता है कि आने वाला समय कैसा है, मुझे क्या करना है, वो लंबी प्लानिंग करता है, किसी भी आने वाली घटना को पहले ही जान लेता है, उसको एहसास होता है क्या घटने वाला है और वो पहले उसकी प्लानिंग कर लेता है, लंबी प्लानिंग करता है। बृहस्पति की राशि है, जातक लाइफ में सही रास्ता ही पसंद करता है, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, रिलीजन, फिलॉसफी को फॉलो करता है। सोसाइटी में भी वो फिलॉसफी, लव और कंपैशन को प्रमोट करता है। बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी, जीवन में खुशहाली को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा धनु राशि में जातक के जीवन में खुशियां देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं। दोस्तों, सभी पॉजिटिव रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जो बृहस्पति राशि का स्वामी है, स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है। अगर वो बेचारा खुद ही मैलिफिक के प्रभाव में आ गया तो क्या अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे आपको पहले बताया है, ये लोग एजुकेशन के भूखे हैं, ये फिलॉसफी में घुसना चाहते हैं, रिलीजन, लॉ,
और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में चाहते हैं। सो ये लोग हायर एजुकेशन में कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। लर्निंग वैल्यूज रहती हैं, डायनामिक है, ये कुछ सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं बाय फोर्स। अभी वो फोर्स कैसे हो सकते हैं, फिलॉसफी की हो सकती है या पावर की हो सकती है। मून इज सोर्स ऑफ विजडम, मून इज मदर। सो इनकी एजुकेशन के बीच में इनकी मदर का कहीं ना कहीं रोल जरूर रहता है। अनपढ़ होने पे भी वो गुरु है। अब देखेंगे कुछ मदर्स, चाहे एजुकेशन लेवल उनका कम है ज़्यादा है, वो बच्चे को गाइड करती हैं, सही रास्ते पे डालती हैं। धनु में चंद्रमा होने से इनको जनरली सुंदर लाइफ पार्टनर मिलता है। अगर कहीं गलती से इनका लाइफ पार्टनर सुंदर ना हो तो फैमिली फ्रंट से इनको हमेशा नाराजगी रहती है, ये परेशान रहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर सुंदर नहीं है। धर्म के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे ये दान देना पसंद करते हैं, रिलीजन के नाम पे। जब ये कई रिलीजियस जगह पे जाते हैं तो दान करते हुए, पैसा खर्च करते हुए इनको सोचना नहीं पड़ता। सो इनका जो बैंक बैलेंस है वो हो सकता है कम रहे, मगर दान देना एक इनका बेसिक नेचर रहता है। जनरली ये गरीब कमी होते हैं, इन लोगों के नौकर होते हैं, चाहे वो घर पे हो या ऑफिस में हो। दोस्तों अगर चंद्रमा धनु राशि में हो यानी कि 9 नंबर साइन में हो और सूर्य का एस्पेक्ट हो तो धनु राशि 3 बेनिफिक प्लैनेट्स के प्रभाव में आ जाती है। जातकों को राज दरबार से, आज के समय में राज दरबार कोई राजा अकबर या अशोक का दरबार नहीं है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, योर बॉसेस। सो सरकार से सपोर्ट मिलती है, वो हाई स्टेटस अपॉइंटमेंट पे काम करते हैं, उन्हें सभी सुविधाएं मिलती हैं। मंगल का एस्पेक्ट उसे आर्मी, डिफेंस, पुलिस फोर्सेस, इंजीनियरिंग प्रोफेशन या कोई टेक्निकल कनेक्शन जरूर देता है। हो सकता है वहां पे आग का भी कुछ कनेक्शन हो। अगर बुध का एस्पेक्ट हो तो उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में, एस्ट्रोलॉजी में रहता है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, अच्छा डांसर भी हो सकता है। बृहस्पति का एस्पेक्ट जातक को सुंदर बनाता है, एक्टिव बनाता है, फिजिकली फिट करता है और सरकार में अच्छी पोजीशन देता है। शुक्र लाइफ में लग्जरी देता है और सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ाता है, सुंदर लाइफ पार्टनर देता है। मान लीजिए 9 नंबर साइन है, उसमें चंद्रमा है और शुक्र का एस्पेक्ट है, तो आप देखेंगे कि उसका जो लाइफ पार्टनर है जनरली सुंदर रहता है। शनि का एस्पेक्ट हो तो जातक काफी मैच्योरिटी से धीरे धीरे बात करता है, ही इज ए गुड ओरेटर एंड ही इज वेरी नॉलेजेबल। दोस्तों ये तो था चंद्रमा जब धनु राशि में हो। दूसरी राशियों में चंद्रमा की प्लेसमेंट जानने के लिए इसी प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।